कैंपस में फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, यू कैन सी एवरीबॉडी इज गोइंग अप, यहां पे कैमरा दिखाएंगे अगर आप, तो ये सब हमारे दोस्त के वो सब जा रहे हैं एंड अपूर्व रामू एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ अभी, मेरी आंखों में आंसू है एकदम, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ बिकॉज ये आप देख ही सकते हैं मेरे बैग वैग रखे हैं, यहाँ पे कैब आ चुकी है उनकी और ये हमारी मैम है जो सबको भगा रही है यहाँ से कि जो भी ऐसे बच्चे हुल्ला हल्ला मचा रहे हैं सब जाओ, जो भी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं वो सब जा सकते हैं। क्यों क्या हो गया आकाश यार, यहाँ सब लोग जा रहे हैं यार, थोड़ा मैं इमोशनल बंदा हूँ यार, मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, तो मैं तो ऊपर ही ठीक था। So guys, he was my first friend of IMA. We were connected online only. और आज ये जा रहा है, मेरे को इसकी बहुत याद आएगी, इसको हिंदी नहीं आती है, he don't know Hindi. But then too, we are so much attached and I'm feeling very good यार. I'm just feeling sad for them. Okay, what about you both? What about you both? और ये ना वो वीडियो बनाएगा और YouTube पे डालेगा, है ना? YouTube के लिए this is short for YouTube. Guys, like, subscribe and share. वो नहीं बोल रहा हूँ। इसका ख्याल रखना, ये कल जा रही है। वो भी कल ही जा रहा है। वाह, nice question. Hi buddy. कौन जा रहा है इससे? Hi buddy. What's up, dude? Good. अच्छा ऐसा जा रही है, चलो। रानी तुम भी मत रोना यार, लग रहे जाते हुए बहुत अच्छा भाई, बस समझ नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, जा रहे ये अच्छा लग रहा है लेकिन छोड़ के जा रहे ये बुरा लग रहा है। फीलिंग सम नॉस्टैल्जिक, अपने फ्रेंड लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है 2 महीने के लिए, कोई नहीं रिश्ता बना रहेगा। चले रिज्जू सर देखो, जब आस्था जा रही थी ना तो तुमको कैसे करना है, कैसे करना है? वर्ड अंकिता को आस्था। ये है मेरा फ्रेंड मोहित, जिससे मेरी दोस्ती पहले तो नहीं हुई थी, पर जाते जाते मेरी इसके साथ इतनी सही बॉन्डिंग हो चुकी है कि अब ये मेरे को पढ़ाने लग गया है। पहले मैं इसको पढ़ाता था, मेरे को देख के इंस्पायर होता था, पर अब मैं इसको देख के पढ़ने में इंस्पायर हो चुका हूँ। और भाई कब ये कब जा रहा है, तू कब जा रहा है? अभी ये अभी नाइट में थोड़ी जा ही रहा है, तो मैं इसको ड्रॉप करने के लिए बहुत इमोशनल हूँ, आप देख ही सकते हैं मेरी आंखों में कितना आंसू है। और ये बंदे ने एक कस्टमर को ये दिया है CRM नेक्स्ट एक प्रोडक्ट के रूप में दिया है भाई, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कुछ भी लिख दिया, बट ठीक है वो हम दोनों के क्वेश्चन मैच हो गए कोइंसिडेंटली हमारा। अरे यार रोक रहा हो यार सचिन भाई, कुछ बोलो। अरे वो कुछ बोल रहा है, बहुत अच्छा लगा, स्पेशली अच्छा लगा कि एनजी के जो ब्लॉग है उनको देखिएगा, इमोशनल है थोड़ी थोड़ी सी, इसीलिए मैं साइड में खड़ी हूँ, इमोशनल है क्योंकि मुझे रोना नहीं है। हम दोनों की ऐसी कोई बनती नहीं थी खास, पर जाते जाते हम दोनों की इतनी सही बॉन्डिंग बन चुकी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? रास्ते के बीच में आपको बोला गया कि साइड में हो जाओ थोड़े से, तो हम साइड में हो चुके हैं। ये देखिए आप कितनी सारी कैब आ चुकी है, सबके चेहरे पे इमोशनल, बहुत सारी कैब आ रही है, अब तुमको यहाँ आना पड़ेगा। अभी मैं भी निकल ही रही हूँ थोड़ी देर में, बाजू बाजू में रहते हैं हमारा एक, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, सच्चे में ये झूठे आंसू नहीं है, ये सच्चे आंसू है। Okay, so finally guys, I'm moving back. मैं चीनी नहीं है। यहाँ से जाने में कैसा ही मुश्किल भाई, खुशी इस बात की है कि पर घर से मिलेंगे लेकर सबसे, फिर खुशी बात इस बात की भी 2 महीने बाद फिर से आ रहे हैं हम लोग, दुख तो नारायण को होगा, दुख तो हमारे वार्डन को होगा, याद तो जा रहे हैं 2 महीने बाद फिर आएंगे। निदार बाय, चलो बाय, जाने जा रहे हो, बाय। फ्लाइट कब की तुम्हारी? मॉर्निंग जाने का मन, ये मॉर्निंग की तैयारी देखो आप अभी से ही। हाँ, बस ऐसे ही सोई। अंकिता जिसको मैं हमेशा बोलता था सड़ा मुंह बना के रहती है, एज यूजुअल अभी तो लग नहीं रहा, अभी तो मार खाते हैं।
आयुष भी हमारे स्टिंग पे हैं। अभी हम ट्रक शॉप वाला जो हमारा भैया है उन्हें प्रैंक करने जा रहे हैं, हम स्टिंग की बॉटल और वो आउट ऑफ स्टॉक रहती है हमेशा और वो लाते भी नहीं है जान करके। तो अभी हम लाए हैं स्टिंग की बॉटल्स और अब हम भैया ट्रक शॉप जहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा आपको IMM में। मेरे को सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा, बस एक स्टिंग छोड़ के, बस एक स्टिंग छोड़ के सब मिल जाएगा यहाँ पे। स्टिंग घर से लेके आना। सच में विश्वास नहीं हो रहा, मुझे फिर से देखूं क्या भैया ये ठीक है ना? ठीक है, खराब नहीं है ना? खराब नहीं, खुश हो गई ना? बहुत खुशी हो रही है मुझे। बोला ना यूट्यूब दरवाजा लगा के सुसु करना। बाय बाय, बट मैं कल जा रही हूं, आज नहीं जा रही। कैसा लगा? तुम रो रहे हो क्या? नहीं भाई, हमें रो रहा है भाई, दम लग रहा है, तुम्हारी आंखों में दर्द लग रहा है भाई। दो दिन से सोए नहीं एग्जाम के कारण भाई। मेरा भाई जसवंत जो हमेशा एंग्री रहता था। अरे भाई क्या भाई, कैसी बात कर रहा है, आज तेरे चुम्मी दे दूंगा अभी। और ये है हमारा सुमित गुप्ता, हमने इसको पहली वाली वीडियो में देखा था, जो बहुत अच्छा स्पीकर है हमारे। ये हमारा पर्सनल IT डिपार्टमेंट है अपने आप में क्लास का। और ये है हमारे बबलू भैया, ये पूरा विक्रांत पैसी जैसे लगते हैं तो इनको बबलू भैया बोला जाता है। अभी मैं खा रहा हूँ फाइनली अपनी लास्ट मैगी इस कैंपस की। ये हमारी शॉप है, ट्रक शॉप के सामने, बहुत बढ़िया। मैं बहुत इमोशनल हूँ और अभी हॉस्टल का खाना, मतलब मेस का खाना, ये वाइपर गिर चुका है। अभी फाइनली कैंपस बंद हो गया। कैंपस बंद हो रहा है तो अभी मैं खा रहा हूँ अपने मेस का खाना फॉर द लास्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। आज बना है राजमा चावल और रोटी दाल और एक बैंगन की सब्ज़ी, शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अब देखिए मेरे बीच मेस पूरा खाली हो चुका है क्योंकि मैं आज जान करके लेट आया हूँ। ये है वीरता की सारी हदें पार कर दी हम लोगों ने। ये भाई अतुल, ये आकाश, ये हद पार करने वाला लड़ने, ये सैड हो चुका है आकाश, वो सैड है। ये प्रॉप है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही पता है, मतलब वो इतना ज़्यादा सैड है। और टेस्ट करते कैसा है आज का खाना, वैसे तो बहुत अच्छा होता है, ऑसम होता है खाना, तो मतलब लेट सी, एकदम मस्त। और ये जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा है, कैमरा देना, इज आयुष। और ये हमारे कैंटीन वाले सबसे प्यारे भैया, हमको रोज़ एक एक रोटी एक्स्ट्रा खिलाई भाई ने, और हमारी इतनी अच्छी जान पहचान हो गई थी भाई से कि हमें शर्मा रहे कैमरे के सामने, बट मैच खाली हो चुका है, बट हमारे लिए रुके थे भाई। तो माय ब्रदर इज गोइंग, ही इज चेकिंग आउट। सर बाय, विल यू मिस अस? What yeah, this time you are taking video. Sir, will you miss us? I am little bit. So my packing is almost done and अब हम आयुष की पैकिंग कर रहे हैं। ये आयुष के मैंने कुछ कपड़े हैं जो खड़ी कर दिए हैं। अभिनव द किंग, आकाश द रॉकेट, सबका बदला लेगा तेरा पैदल, नेहा द मूवी लवर, आयुष अबे क्या लिख दिया मेरे लिए यार, आयुष का लवर, आंकल द गेमर, ये सही चीज लिखी हुई, आयुष द किंग मेकर, द किंग मेकर, क्या बात है, मेरे को नहीं मालूम किंग मेकर क्या। अभी रात के 11:30 बज रही है और हम जा नहीं रहे हैं, अभी अपना भी सामान का वेट कराने जा रहे हैं क्योंकि सुबह अगर फ्लाइट में पार्ट लगने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा 25 से भी ज़्यादा KG यूज़ हो चुका है। हमने वार्डन सर से स्पेशल परमिशन ले कि हम क्या वेट कराना जा सकते हैं, और ही वॉज सो काइंड टू अस कि हमने बोला हाँ जाओ, बट अकेले जाना, बट आयुष इज देयर एंड जुन्नू भाई इज शूटिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड यार आकाश भी तो है यार, आकाश आकाश मेन आकाश ही तो है, अनफॉर्चूनेटली बाय ब्रो, जान नहीं रहे हमें निकाला जा रहा है। तो विद द स्पेशल परमिशन ऑफ वार्डन सर, क्योंकि बढ़िया बारिश हो रही है बैंगलोर में और हम वेट करवाने जा रहे हैं। तो जिस एनर्जी के साथ हम गए थे उस एनर्जी के साथ हम वापस आ गए, क्योंकि मेरा कुछ सामान है वो 7 किलो एक्स्ट्रा निकला है आफ्टर स्टूडेंट ID ऑल्सो, एंड आयुष का भी कुछ 6-7 किलो एक्स्ट्रा निकला है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम जो हमारा सामान है या तो आकाश को देंगे या तो हम DTDC। तो फिलहाल अभी रात के 1 बज चुके हैं और हमारा पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है, ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं। अतुल क्या बता कॉरिडोर में क्यों दौड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं देख बोल रहा था भाई, हॉस्टल तो खाली हो चुका है, अभी हमारा रूम है जहाँ पे हमने सोचा है मिलता है एक साथ।
अंकिता अरे सही भी आप तो चल ही रहे हो यार बाय ओके सो फाइनली वी आर अबाउट टू लीव फॉर द इंटर्नशिप और हमारा चेक इन हो चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम एट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ICIC का कार्ड अभी भी डाल रहे saying this is not enough.